गुड आफ्टरनून दोस्तों, एमडी करियर क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था अकबर, अकबर के बारे में हमने कल आपसे, या अकबर के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी थी आपको। कल अकबर के बारे में जीवन परिचय, उनका क्या है कि पानीपत का सेकंड युद्ध, बैरम खां का विद्रोह, ये सारी बातें हमने कल आपको बताई थी। अब आगे से देखिए, पंद्रह सौ छप्पन से और 60 तक का काल अकबर का बैरम खां का काल माना जाता है। हमने कल इस बात पर चर्चा की थी कि बैरम खां का किस तरह से, यानी कि विद्रोह किया था बैरम खां ने, और बैरम खां को अकबर ने परास्त किया, बैरम खां को माफ़ कर दिया और मक्का मदीना भेज दिया, जहाँ पर मुबारक खान नामक व्यक्ति ने पाटन गुजरात में बैरम खां की हत्या कर दी। और बैरम खां का जो काफिला था, काफिले में बैरम खां की पत्नी यानी कि सलीमा बेगम और उसका पुत्र जीवित बच गए थे। अकबर ने सलीमा बेगम से निकाय कर लिया और बैरम खां के पुत्र को संरक्षण प्रदान किया। यही पुत्र आगे चलकर के अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से यानी कि जाना गया, जो अकबर का नवरत्न भी था। तो इससे आगे देखिए दोस्तों, 1560 से 62 तक का काल है, वो कहा जाता है त्रिया शासन। त्रिया शासन या पेटीकोट शासन, अकबर 2 साल त्रिया शासन में या पेटीकोट शासन में रहा था। और अकबर की धाय माँ, अकबर की धाय माँ माहम अनगा और उसकी बहन जीजी अनगा, जीजी अनगा के संरक्षण में, संरक्षण में कार्य किया था या शासन किया था। अकबर की धाय माता माहम अनगा और उसकी बहन जीजी अनगा के संरक्षण में अकबर ने 2 साल शासन किया था। इस शासनकाल को कहा जाता है दिया शासन या पेटीकोट शासन। आप देखिए, दहाय माता का एक पुत्र था, एक बेटा था, यानी माहम अनगा। माहम अनगा का जो पुत्र था उसका नाम था अधम खां। महामनगा का जो पुत्र था उसका नाम था अधम खां। यूं कह सकते हैं अकबर का दूध भाई, क्योंकि धाय माता जो होती थी वो राजकुमार हो या शहजादे हो, उनकी देखरेख किया करती थी, उनको दूध पिलाती थी। तो महामनगा का एक पुत्र था जिसका नाम था अधम खां। अधम खां क्रूर था, हालांकि अच्छा योद्धा था लेकिन क्रूर था। उसने क्या किया, मालवा विजय के दौरान उसने, जो मालवा का जो सुल्तान था बाज बहादुर और बाज बहादुर की जो बेगम थी रूपमती, ऐसा कहते हैं, बाज बहादुर की जो बेगम थी रूपमती या रानी थी रूपमती, बाज बहादुर उच्च कोटि का संगीतज्ञ था। अधम खान ने क्या किया, बाज बहादुर की बेगम रूपमती के साथ में बुरा बर्ताव किया, वहां की महिलाओं के
आभूषण और क्या ये गहनों को लूटा गया और उनके साथ में यानी कि बहुत ही क्रूर अत्याचार किया था। और वहां से जो धन मिला था उसको अदम खान ने अकबर को ना दे करके और अपने पास ही रख लिया था। आगे देखिए, अकबर ने अपना मंत्री बनाया था अतका खां को, अतका खां जो वित्त मंत्री था, अकबर का वित्त मंत्री जो हिसाब किताब का पूरा यानी कि यूं कहते हैं कि जो वित्त से संबंधित हिसाब किताब है वो अतका खां रखता था। जब मालवा की विजय का हिसाब अधम खां से मांगा गया अतका खां का के द्वारा, अतका खां के द्वारा, तो अधम खां ने अतका खां की हत्या कर दी। ऐसा कहते हैं वह अकबर को भी मारना चाहता था, परंतु अकबर के सैनिकों ने अधम खां को बंदी बना लिया। अतका खां की हत्या करने के बाद अधम खां अकबर को भी मारना चाहता था, परंतु अकबर के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। अकबर ने उसे किले की छत से नीचे फिकवा दिया। जब मरा नहीं तो फिर वापिस उसे दो बार किले की छत से नीचे फेंका गया था और इस तरह से अदम खां का पतन हो गया था। अदम खां के मरने के बाद उसकी माता महामनगा और जीजी अनगा जो मौसी थी उनको मक्का मदीना भेज दिया। महामनगा जो धाय माता थी, महामनगा और जीजी इन दोनों को मक्का मदीना तीर्थ यात्रा भेज दिया गया। इस तरह से पेटीकोट शासन का 2 वर्ष के बाद में क्या है कि पतन हो गया। आप देखिए, अब अकबर है, समझदार हो गया, बड़ा हो गया और उसने जो कुछ सुधार किए थे उनके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, अकबर के सुधार शासन की बागडोर है अकबर ने अपने हाथों में ले ली थी और वह एक छत्र शासक बन गया था। उसके ऊपर किसी का भी वर्चस्व या दबाव नहीं था, वो किसी के संरक्षण में शासन नहीं कर रहा था, स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा और अकबर ने कुछ सुधार किए। तो अकबर के सुधार देखिए आप, अकबर के सुधार जो उसने भारतीय लोगों के प्रति उदार नीति अपनाई थी, तो उन सुधारों में पहला सुधार था अकबर का, वह सुधार था दास यानी कि 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत। अकबर ने क्या किया, 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर
थी। तो अकबर ने एक फरमान निकाला और फरमान के अकॉर्डिंग जो भी युद्ध भूमि में हारे हुए सैनिकों को बंदी बनाया जाता था उनको रिहा कर दिया गया, या इसके अलावा वो अपनी स्वेच्छा से अपनी जिंदगी जी सकते थे, कोई भी कार्य कर सकते थे, वो किसी के परतंत्र नहीं थे। तो अकबर का पहला सुधार ये था, दास प्रथा को अंत करना या दास प्रथा को बंद करना। दूसरा अकबर का जो सुधार था 1563 ईस्वी में, वो था तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, देखिए मुसलमानों से यह कर नहीं लिया जाता था, ओनली फॉर हिंदुओं से यह कर लिया जाता था। जब भी हिंदू तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उन्हें तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता था, मैसूर देना पड़ता था, और ये सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था। देखिए हिंदू सोचते थे हमारे देवी देवता, हमने ही इन मंदिरों का निर्माण करवाया और हमें ही जब इनकी पूजा करने के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो मुसलमान शासक कर लेते थे। इसलिए अकबर ने दूसरा कार्य यह किया जो 1563 ईस्वी में किया था, कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले जो हिंदू लोग थे उनसे कर नहीं लिया जाएगा, यानी मैसूर नहीं लिया जाएगा। यह अकबर का दूसरा सुधार था। तीसरा सुधार देखिए 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर, अब जजिया कर होता क्या है, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, ये राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कर था जो सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था। अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया। अब बात आती है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर को लागू किसने किया था, तो देखिए दोस्तों जून 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कासिम ने सिंध सिंध प्रांत में यह कर लगाया था। पंद्रह सौ चौसठ में अकबर ने समाप्त किया। सोलह सौ उन्यासी में औरंगजेब ने फिर से लागू किया। और मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला ने इस कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था, यानी 1748 ईस्वी के आसपास इस कर को हमेशा के लिए क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया। तो देखिए 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाने से मतलब होता है प्रार्थना स्थल। 1575 ईस्वी में अकबर ने एक इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाने में मुसलमान जितने भी सूफी संत थे वो सब ज्ञान चर्चा किया करते थे, इस्लाम धर्म के बारे में बातचीत किया करते थे। अकबर उनकी बातों को सुनता था। लेकिन अकबर को एहसास हुआ कि जितने भी मुस्लिम सूफी संत हैं, इस्लामिक जो लोग हैं, वो क्या है कि एक दूसरे धर्म को यानी कि अनादर करते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं,
इससे अकबर काफ़ी दुखी हुआ और उन्होंने क्या किया, 1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्म के अनुयायियों के लिए खोल दिया। जिसमें सिख, हिंदू, ईसाई, पारसी, जैनी, ये सारे जितने भी अपने अपने धर्म के संप्रदाय वाले जो लोग थे यहाँ आकर के अकबर के साथ ज्ञान चर्चा किया कर सकते, और अकबर इन सभी धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करता था। इससे यह साबित हो गया कि अकबर ने ये महसूस किया कि सारे धर्मों का एक ही लक्ष्य है और वो है ईश्वर की प्राप्ति करना। हर किसी धर्म में कोई न कोई अच्छी बातें छुपी हुई है। इस्लाम धर्म के अलावा सभी धर्म, यानी कि इस्लाम धर्म ही ऐसा धर्म नहीं है जिसमें अल्लाह के बारे में बताया गया है, सभी धर्मों में ईश्वर के बारे में यानी ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बताया गया है। सारे धर्म अच्छे हैं। 1579 में अकबर ने मजहर की स्थापना की थी। मजहर का मतलब था शेख मुबारक ने एक फरमान निकाल करके इस्लाम धर्म के जितने भी निर्णय थे या इस्लामिक जो निर्णय थे उनको सबको सर्वे सर्वा, इस्लामिक धर्म के निर्णय लेने का सर्वे सर्वा सर्वे सर्वा अकबर को बना दिया था अकबर को बना दिया था। अब जो भी कोई निर्णय लेता था धर्म से संबंधित वो सिर्फ अकबर ले सकता था। जितने भी सारे मौलवी थे उनको साइड कर दिया गया पहले इस्लामिक जो धर्म से संबंधित निर्णय लेने होते थे वो मौलवी किया करते थे, मुस्लिम संत किया करते थे, लेकिन मजहर के बाद में मजहर या मगहर की स्थापना के बाद अकबर इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी फरमान जारी किए जाते थे अकबर को सर्वे सर्वा बना दिया गया। अकबर के अलावा अब इन फरमानों को कोई भी पारित नहीं कर सकता था। इसलिए अब अकबर का मुल्ला मौलवी जो इस्लाम धर्म के अपने आप को कर्ता धर्ता मानते थे उनका प्रभाव खत्म हो गया था और अकबर आराम से स्वतंत्र रूप से शासन कर सकता था। तो अकबर ने ये कार्य यानी कि सुधार के लिए किए थे। आगे देखिए 1580 ईस्वी में अकबर ने इस्लामी कैलेंडर के अकॉर्डिंग इलाही संवत चलाया था। अकबर ने इस्लामी कैलेंडर के अकॉर्डिंग या अनुसार इलाही संवत चलाया था 1580 ईस्वी के बारे में। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ये धर्म कोई नया धर्म नहीं था। अकबर ने स्वयं अपने
यानी कि हिसाब से ये धर्म को चलाया था। अकबर के स्वयं की ये उपज थी, कोई इस्लाम से धर्म से संबंधित ये धर्म नहीं था। इस धर्म की विशेषता थी कि दीन इनायी अपनाने वाला जो भी कोई व्यक्ति होगा, इस धर्म की विशेषता थी दीन ए इलाही इलाही धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति का मतलब था अपनी आवश्यकता के बाद बचने वाला धन अकबर को भेंट कर देगा। अकबर से वह दीक्षा लेगा। इसके अलावा इस धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को अपनी इच्छा से जलाया या दफनाया जाएगा गरीबों को भोजन। इसके अलावा कमजोर अपाहिज और गर्भवती स्त्री के साथ संभोग नहीं करेगा और लाइफ में एक बार या यूं कह सकते हैं जीवन में एक बार जीवन में एक बार मक्का मदीना की यात्रा करेगा, यानी हज की यात्रा करेगा। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र बीरबल था। बीरबल एकमात्र हिंदू जिसने इस धर्म को अपनाया था। इस तरह से अकबर की मृत्यु के बाद में जो दीन इलाही धर्म था, जो अकबर ने 1582 ईस्वी में चलाया था, अकबर की मृत्यु के बाद में ही ये धर्म क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो अकबर के ये कुछ सुधार थे जो अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान ये सुधार किए थे। और वैसे भी कहा जाता है कि अकबर के इन सुधारों की वजह से वह भारतीय जनता के मध्य में एक अच्छा शासक बन गया। भारतीय जनता ने अकबर को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था अकबर, यानी कि अकबर का जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद, और अकबर जो उपाधि दी गई थी, और अकबर उपाधि का अर्थ होता है महान। अकबर उपाधि भारतीय जनता के द्वारा दी गई थी जिसे कहा जाता है महान।
तो महान जो शब्द जोड़ा गया था अकबर की इन सुधारों के बीच में जोड़ा गया था, और वो जो सुधार किए थे वो किए थे अकबर के द्वारा भारतीय जनता का हित को देखते यानी कि ध्यान में रखते हुए, इस तरह से अकबर के कुछ सुधार थे। एक बार फिर देखिए आप। अकबर के कुछ सुधार तो देखिए, 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को बंद कर दिया था या दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। जो भी कोई शासक सैनिकों को हारने पर बंदी बना करके लाता था उनको आजीवन दास बना करके रखता था। अकबर ने यह आदेश निकाला था कि आज के बाद में जीते हुए सैनिक जो सैनिकों को बंदी नहीं बनाया जाएगा और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार दिया जाएगा। ये 62 में किया था अकबर ने। 1563 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कर दी। ये कर हिंदुओं से लिया जाता था, ये तब लिया जाता था जब हिंदू अपने देवी देवताओं की यात्रा पर जाते थे, तो मुसलमान जो सैनिक होते थे ये इनसे, मुसलमान सैनिक यानी कि इस्लाम में इसे मैसूर कहा जाता था। अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया। तीसरा जो उनका सुधार था वो था जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर ओनली फॉर गैर मुसलमान जो, या यूं कह सकते हैं गैर मुसलमानों से या हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। इस कर को भारत में इसकी शुरुआत की गई थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और मोहम्मद बिन कासिम ने जून 712 ईस्वी में सिंध वासियों से यह कर वसूला था। सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंध वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो पहली बार जो कर वसूला गया था जजिया कर, वो सिंध वासियों से वसूला गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। 1564 में अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया था, और ऐसा कहते हैं 1679 ईस्वी में यानी 1679 में औरंगजेब के द्वारा फिर से हिंदुओं पर ये कर को लागू किया गया था। इसका विरोध मेवाड़ महाराणा राज सिंह के द्वारा भी किया गया था, विरोध राज सिंह ने किया था, विरोध राज सिंह यानी कि महाराणा राज सिंह ने किया था, लेकिन फिर भी औरंगजेब ने इसे बंद नहीं किया गया था। अंत में इसे पूर्ण रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा, इस कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस तरह से ये जजिया कर था, राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक यानी कि धार्मिक कर था ये, और ये सिर्फ गैर मुसलमानों से वसूला जाता था यानी हिंदुओं से वसूला जाता था, तो अकबर ने इसे समाप्त किया। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाने का अर्थ होता है प्रार्थना स्थल, जहाँ पर सिर्फ इस्लामिक लोग या इस्लामिक जो संत होते थे वो ज्ञान चर्चा किया करते थे। लेकिन अकबर ने देखा कि ये खाली समय में आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए अकबर ने 1578 ईस्वी में ये जो इबादत खाना था सभी के लिए खोल दिया गया, यानी सभी धर्म के अनुयायियों के लिए इबादत खाना खोल दिया गया था। इसमें सिख है, ईसाई है, हिंदू है, पारसी है, जैनी है, सभी धर्म के अनुयायी अपने अपने धर्मों की ज्ञान चर्चा किया करते थे, और अकबर उन्हें ध्यान से सुनते थे। अकबर ने ये महसूस किया कि सारे धर्म अच्छे हैं, कोई भी धर्म में बुराई नहीं है, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना चाहिए, सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की स्थापना की थी और एक फरमान निकाला था शेख मुबारक के द्वारा। शेख मुबारक फैजी और अबुल फजल, शेख मुबारक फैजी और अबुल फजल, ये तीनों बाप बेटे थे, शेख मुबारक पिता था, फैजी और अबुल फजल इसके दो पुत्र थे, दोनों अकबर के शासनकाल में थे और अकबर के नवरत्न थे, और ये रहने वाले हमारे राजस्थान यानी कि राजस्थान के नागौर जिले के थे। तो शेख मुबारक ने एक फरमान निकाला जिसमें इस्लामिक धर्म में जो भी सुधार होगा या इस्लाम से धर्म से संबंधित जो भी कोई फरमान जारी किया जाएगा सर्वे सर्वा अकबर को बना दिया गया था। इसके बनाने से जो मुल्ला मौलवी थे उनका प्रभाव अकबर पर कम हो गया था। इस तरह से अकबर ने ये मजहर की स्थापना की थी। 1580 ईस्वी में अकबर ने
इलाही संमत चलाया था और इलाही संमत इस्लामी कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलाया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। ये स्वयं कोई नया धर्म न होकर के कोई इस्लाम धर्म से संबंधित धर्म नहीं था, ये अकबर की स्वयं की उपज था जो अकबर के द्वारा चलाया गया था और एकमात्र बीरबल ने इसे इस धर्म को अपनाया था। और अकबर की मृत्यु के बाद में ये धर्म हमेशा के लिए समाप्त हो गया क्योंकि एकमात्र हिंदू बीरबल था जिसने इस धर्म को अपनाया था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत, आगे फिर कंटिन्यू कल की क्लास जारी करेंगे हम। ठीक है।